सिंगरौली में एक होटल व्यवसायी और उसके बेटे के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और होटल में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मारपीट करने वालों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की। मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक होटल व्यवसायी शेर बहादुर सिंह चौहान और उसके बेटे सतीश सिंह चौहान के साथ मामूली विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई। असामाजिक तत्वों ने दुकान में रखा लगभग 40,000 का सामान नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल संचालक द्वारा चौकी पर पैर रखकर खाने से मना करने पर कुछ लोगों ने संचालक के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। घर होटल संचालक ने बताया कि इसके पूर्व भी इन आवारा किस्म के लड़कों द्वारा आए दिन क्षेत्र में मारपीट की घटना की जा चुकी है, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की। कल यहीं हम लोग बैठे थे तो पापा नहा के आए, बोले खाना निकालो। खाना निकाल के पापा को दिए तखत पे। एक आदमी आया ऑमलेट मांगा, तो मेरा नौकर है सुशील विश्वकर्मा, वो ऑमलेट बना के उसको दिया। तो पापा तख्ते पे खाना खा रहे थे, तख्ते पे पैर रखे वो हिलाने लगा जो ऑमलेट खाने आया था। तो पापा एक बार मना किए तो नीचे किया, जब दोबारा फिर से रख लिया कुछ देर बाद पैर। पापा मना किए तो सुनना नहीं किया, पापा पास जाके बोले तो बोलता नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, गाली देने लगा। और फिर पापा कॉलर पकड़ लिया, बस पापा एक आध दो झापड़ मारे, फिर बोला अभी आते हैं। गया तो दो तीन लोगों को लेके आया, दो तीन लोगों को बुला के लाया। समझदार थे, बैठ के बात कर रहे थे क्या क्या मैटर है, किसकी गलती उलती है। तो तभी एक बीच में आ गया बाइक से राकेश साकेत, आते ही सीधे रॉड और लिया था, सीधे आते ही एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। कल करीबन 3:30 बजे चक्का में एक होटल संचालक है शेर बहादुर सिंह, उसके यहाँ कुछ लोग खाना दो लोग खाना खाने आए। इसी दौरान जिस स्थान में वो खाना बांटा करता था, जहाँ खाना निकालता था, उसमें वो उसने पैर रख दिया। पैर रखने की बात पे दुकानदार ने मना किया, भाई इसमें पैर मत रखो, ये हमारी रोजी है। इतने में गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद जो राकेश महेश और उसके साथी हैं, ये वहीं लोकल के रहने वाले थे, आसपास से करीबन और 5-7 आदमियों को लेकर आए, उनके साथ गंभीर मारपीट की। इस दौरान चोटें दोनों पक्ष को आई हैं, हमने दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।